नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेरे गार्डन के कुछ वेजिटेबल्स प्लांट दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बैंगन के पौधे हैं और अब इनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। मैं इनकी छोटी छोटी सीडलिंग 5 रुपये के हिसाब से लेके आया था और अब ये हेल्दी पौधे बनकर तैयार हो गए हैं और इनमें अब फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। हम अपने घर में जो सब्जियां उगाते हैं वो प्योर ऑर्गेनिक होती हैं, उनमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने इन पौधों में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। सच पूछो तो मैंने इनमें कोई भी खाद नहीं डाली है, बिना किसी खाद के ही देखिए ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इनमें अब बैंगन भी लगने लगे हैं। मैं इनकी सीडलिंग फरवरी के महीने में ख़रीद कर लाया था, उस समय अधिक सर्दी होने की वजह से इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई, मगर जैसे ही मार्च अप्रैल का मौसम शुरू हुआ तो इसमें अब नई नई ब्रांच निकलने लगी थी और अब देखिए इतने हेल्दी पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। यदि आप भी इन पौधों को अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो इनकी सीडलिंग नर्सरी में मिल जाती हैं, आप इनके सीड से भी इनको ग्रो कर सकते हैं। और जो आप सीडलिंग लेके आते हैं उनको आप ऐसी जगह लगाइए जहाँ अधिक से अधिक सनलाइट इनको मिल पाए। छायादार लोकेशन में यदि आप इनको लगा दोगे तो ये पौधे नहीं चलेंगे। इनके पौधे बड़े साइज़ के हो जाते हैं, इसलिए जब आप इनकी सीडलिंग लगाते हैं तो कम से कम 2 फीट का गैप इनके बीच में रखें ताकि इनको फैलने की जगह मिल पाए और एक हेल्दी पौधा इनका बनकर तैयार हो जाए। वैसे तो इन पौधों में किसी भी प्रकार की खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर फिर भी यदि आप इनमें खाद डालना चाहते हैं तो केवल प्योर ऑर्गेनिक खाद ही डालिए। इसमें आप नाइट्रोजन रिच ऑर्गेनिक काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट मिट्टी में अधिक भी मिला दिया जाता है तो भी कोई नुकसान नहीं होता है। इन पौधों से मैंने अपने गार्डन में किचन गार्डनिंग की शुरुआत की है और इसी प्रकार अच्छा रिजल्ट मिलता रहा तो मैं अपने गार्डन में और भी सब्जियां लगाऊंगा। अब इस समय टमाटर भी लगाया जा सकता है और मिर्च के पौधे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हमें अपने गार्डन में लगा लेना चाहिए और ये परमानेंट पौधे होते हैं। बैंगन और मिर्च के पौधे तो ऐसे होते हैं जिनको यदि 2-3 सालों तक भी रखना चाहो तो भी रह जाते हैं। इनकी पुरानी स्टेम को काट दिया जाए तो फिर इनकी नई नई स्टेम निकलना शुरू हो जाती हैं और जो भी नई नई स्टेम निकलती हैं उनमें अधिक फूल खिलते हैं और अधिक फ्रूटिंग होती है। इन पौधों में 1-2 साल तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती रहती है, उसके बाद इनकी ब्रांचेज पुरानी हो जाती हैं तो इनकी फ्रूटिंग कम हो जाती है। इन पौधों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, आप इन पौधों में हर रोज़ पानी डाल सकते हैं। ये पौधे कभी भी ओवर वाटरिंग से नहीं सूखते हैं और आप इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव ना करें, आप इनको इनकी मिट्टी में ही पानी दीजिए। यदि आप इनके सीड अपने घर में ग्रो करते हैं तो इनके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और हमें इनके इतने पौधे नहीं चाहिए। यदि आप अपने गार्डन में इनके 4-5 पौधे भी लगा लोगे तो भी काफ़ी रहेगा, इसलिए बेहतर तो ये रहेगा कि आप इनकी सीडलिंग आप नर्सरी से खरीद कर ले आएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।